All right.
sekali berusaha sesuatu usaha karena dimampu bebas memasuklah unta disarankan unta disarankan atau disarankan jam syawal di bibi sekarang suami dari tu istirahat pada sana bibi kiri boleh khusyuk boleh ni sendiri jika syawal ada suami istirahat boleh ini mohon perhatikan bibi orang tua kita. लेकिन उसके भी अगर होना है तो फरमाया वर्गून तो फिर तुमको मारो अपने अंदर मारो हाथ पे छोड़ो चलने के लायक भी न छोड़ोगे नहीं ऐसा नहीं इस तरीके से मारना है ताकि के अंदर आया वाला देवी का जहाज चेहरे से मत मारो अब तो चेहरा देखो क्या इतना है चेहरे पे मारो तो छोड़िए चेहरे पे तो जानकर भी चेहरे पे भी मार के ले जाके दूसरा पकड़ना है इंसान तो बहुत बड़ी बात जानकर भी कि चेहरे पे आप मार सकते चेहरा इतनी बड़ी और इतनी बेहतरीन चीज अल्लाह तआला ने बनाई है तो उनको कहां चेहरे पे नहीं मारना फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पे मार नहीं मारना जिससे निशान पड़े अब चेहरे पे मार नहीं मारना जिससे निशान पड़े तो अपने लिए कितनी हल्की बात बस कहते कि उनको कुछ समझ नहीं आया है बात और वो समझ जाएंगे कि अगर बहुत उसके कितना नाराज है हाँ कल उसके दिन को हमारा है लाठी और डंडे उसके ऊपर नहीं चलाना है उसके चेहरे पर नहीं मारना है और ऐसी मार नहीं मारना है कि उनके बदन के निशान पड़ जाए हल्की नहीं होगा फरमाया पानी आसान है तो ये तीन कदम उठाने के बाद अगर तुम्हारी नीतियां सुधर जाए और मान जाए फला तबुआ जितना कबीला तो फिर तुम क्यों बदल सकी ना करो अब ये नहीं कि तुमने अभी मुझे परेशान किया कर दे अब हम तुझे परेशान करेंगे अब हम तुझे ले जाने के अगर रखा जाता कि नहीं परिणा कारण को फला तबुआ जितना कबीला और अगर तुम मान जाए सुधर जाए तीनों स्टेट में से किसी भी स्टेट में आप किसी भी कंडीशन में अगर पहुंच जाती फला तबुआ जितना कबीला आप उनको बताएंगे उसके साथ पड़ोसी का पड़ोसी का रास्ता होगा, सरकार का होगा, सरकार का होगा,
Thank you.
की इताअत करने का हुक्म हो रहा है, लेकिन अल्लाह के नाम के साथ अतीयू का नाम है, रसूल के नाम के साथ अतीयू का नाम है, लेकिन उल अमर की जब बात आई तो जब से अतीयू को हटा दिया है। क्यों? इसलिए इसलिए हटा दिया गया क्योंकि जो उमरा है या उकाम है या जो आलिम है वो अगर तुम्हें हुक्म दे अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक तो उनकी बात मानो, और अगर वो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हुक्म नहीं दे रहे हैं तो उनकी बात मानने का कोई हक नहीं। इसलिए अल्लाह ने अपने नाम के साथ अतीयू का लफ्ज लगाया और रसूल के नाम के साथ में अतीयू का लफ्ज लगाया, लेकिन जब उलुल अम्र की बात आई तो वहां से अतीयू का लफ्ज हटा दिया, यानी उमरा और हुक्काम और उलमा जिस बात की तरफ बुलाएंगे वो अल्लाह और उसके रसूल की बात होना चाहिए, तब उनकी बात मानी जाएगी, और अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की बात के खिलाफ बुला रहे हैं तो फिर उनकी बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए अल्लाह ने अपने नाम और नबी के नाम के साथ अतीयू का लफ्ज इस्तेमाल किया और जब उलुल अम्र की बात आई जब आपने अतीयू का लफ्ज हटा लिया, इसलिए कि ये जब अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक बुलाए तो इनकी बात मानना और जब उनके खिलाफ बुलाए तो इनकी बात नहीं मानना। ये हिकमत है इसके अंदर, इसीलिए यहाँ पर अतीयू का लफ्ज इस्तेमाल किया दो जगह पर और उलुल अम्र के साथ में अतीयू का लफ्ज हटा दिया। हमारे बहुत सारे भाई देखिए बड़ी मेहरबान बता रहा हूँ तब जो मेरी तरफ दीजिए, वहाँ काम हो रहा है वो काम चलने दीजिए, मेरी तरफ तब दीजिए। ये उलुल अम्र का जो लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया है यहाँ से बहुत सारे भाई हमारी तकलीफ को साबित करते हैं, कहते हैं कि तकलीफ का हुक्म हो रहा है, देखिए अल्लाह कह रहा है कि उलमा की बात मानो, अल्लाह कह रहा है उलमा की बात मानो, तो उलमा की बात मानने के देखिए तकलीफ तकलीफ साबित हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कि उलमा की बात मानो, ये कहाँ कह रहा है कि एक ही आयत की बात मानो? उलमा का अल्लाह ताला मान लियो, अगर उलुल अम्र से मुराद उलमा है तो अल्लाह ये कह रहा है उलमा की बात मानो, ये भी कह रहा है आलिम की बात मानो, ये कहा कह रहा है कि एक ही आलिम को पकड़ कर आप बैठ जाओ और उसी की बात मानते रहो? अगर आप उलुल अम्र से मुराद ये ले रहे हैं कि उलमा की ही बात मानी जाएगी तो जिस आलिम की बात तुम्हारा हदीस के मुताबिक बैठ जाए उसकी बात ले लो, ठीक है तुम्हारी ही बात मान लेते हैं, उलुल अम्र से मुराद चलो मान लेते हैं कि उलमा है, और अल्लाह कह रहा है कि उलमा की भी बात मानो जो कुरान हदीस के मुताबिक हो, तो अल्लाह ने उलमा कहा है लेकिन उनका एक ही आयत को पकड़ कर बैठ जाओ और उसी की बात मानते चले जाओ। और आगे जाकर फरमाया अगर तुम्हारे दरमियान में किसी बात में झगड़ा हो जाए इख्तलाफ हो जाए तो क्या करना है? फिर उस मोमिन को लेकर कहा जाना है वहीतना कुंती शय फरुहू इल्लाह रसूल, और अगर तुम्हारे दरमियान किसी बात में झगड़ा हो जाए इख्तलाफ हो जाए तो सुनो फरुहू इल्लाह रसूल, तो उस मुकदमे को लेकर अल्लाह और उसके रसूल के पास में जाना, कुरान और हदीस के पास में जाना। अब यहाँ पर और
اب اس کے برابر میں ایک آسان کر کے دیکھا نہر میں پانی آ رہا ہے تو پہلے کون پانی بھرے گا اپنے کھیت کے اندر جس کا کھیت نہر سے بھری ہوگا کیونکہ ہاتھ اسی کا ہے اور جب وہ بھر دے تو وہ پانی چھوڑ دیتا کہ پیچھے والے بھی پانی بھر دے یہ شرطی حکم ہے اسلام انسانی نظر کا نہیں پہلے آپ کو نہیں بھرنا چاہیے جھگڑا ہو مقدمہ لے کر اللہ کے نبی اللہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی ایک روایت ہے آپ نے فیصلہ کر دیا کہ ایک یا زبیر اے زبیر پہلے تم اپنے کھیت میں پانی لگا لو سن مار دے ماں آٹا کی گھر جا دے گا پھر تم اپنے پڑوسی کے لیے بھی پانی چھوڑ دو پیسہ ہو گیا نا پیسہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقال اتاریو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سن کر وہ اتاری بولے کہنے لگے یا رسول اللہ اتاری احمد کا یہ زبیر آپ کی پھوٹی کے لڑکے ہیں جواب میں پڑھ رہی ہوں سلام ہی کہہ دو جتنا ہو سکے
وجود کر آپ بھائیوں کو آپ نے سلام کیا کرو. آپ اندازہ کر کے دیکھیے گا کبھی ایک آدمی آپ سے دور آ جانے کے لیے جائیں گے وہ ستارہ جہنم میں نہیں جائیں گے. گمراہ بھی ہیں
جو ذات و برادری چلتی ہے نا کہ یہ پٹھان یہ رنگانی یہ شیر یہ مرزا یہ دیر یہ منا یہ منا یہ سجن وہ والے سجن نہیں تھے اس دور کے اندر کوئی بندہ نہیں تھا آپ سجن تھے سرکار کے مانا آپ تو سید الانبیاء ہیں سید الکرام و جن ہیں کس معنی میں تو آپ سرکار ہیں لیکن ذات و برادری والے سجن نہیں لیکن آج ہم نے اور
عارفین کی نام، جن عارفین کی نشانی اللہ بتا رہا ہے جو اپنی نمازوں کی درستگی کرتے ہیں، بڑے صحیح نمازیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا بابے کے رویے کو تکلیف حلال کو بڑھواتی ہے، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ جی نے حکم کرا دے کتاب جو اپنی نماز کی درستگی اور تاریخ کرتے ہیں۔ اور جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری نشانی بیان فرمائی ہے کہ منافقین فرمایا سب سے زیادہ ہے کوئی بھاری نماز ہوتی ہے تو وہ بدر کی نماز نشان کی نماز ہوتی ہے، اشارہ کی نماز پڑھنے نہیں آتا اور بدر کی نماز میں پڑھا رہتا ہے سوتا رہتا ہے، دو نماز ہے معلوم یہ ہوا کیا اگر تمام یقین کی لیے جسے اپنا نام کٹوانا ہو تو ہمیں دونوں نمازوں کی پابندی نہیں کرنا پڑے گی اور اس کا دھیان رکھنا پڑے گا، یہ دو نماز پڑھی رہے ہیں اور اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو، بڑی سستی برتتے ہیں نشان تو پڑھ ہی لیتے ہیں لیکن بدر جو جہنم کا جتنا نیچے کا حصہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے اور جنت کا جو حصہ جتنا اوپر کا ہوگا وہ اتنا ہی شاندار اور اتنا ہی زیادہ بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔